कदुआ काला के मेरो बाप सगाई करे बंसी वाला के जन्म कुमारी मर जा मैया जांगी कलवा काड़ा कर मेरे बाप सगाई कर गो वंशी वाड़ा के। रुक्मणी की माता तो यही समझ रही है कि भाई हमारी है क्या गोलंगन को करे रुक्मणी और हम खेगा जाए जाएगी। लेकिन रुक्मणी ने यह खेती को मान लीजिए पिताजी भी मन औठा कर देता हूं ना भगवान कृष्ण का लावा तो माँ भी गो जाती मैं तो बाई के जाऊंगी जहां जाना है जाए। लेकिन यह बात को रुक्मणी की माँ को समझ सकी वाने तो यही समझी कि हमारी बेटी हमारी आज्ञा का पालन करेगी। वो कहती है कि बेटी ऐसा ही होगा। तो देखो अब रुक्मणी के रुक्मणी की भाई का बात का बल पड़ जाता है। किस तरीका से बल पड़ता है कैसे पड़ता है भैया के बैठी बैठी लाडी के बल पड़ गो काल सकाला से भैया ओ बैठी बैठी छोरी के बल पड़ गो काल सकाला से पहला बात करी शादी की बंसी वाला से बैठी बैठी लाडी के बल पड़ गो काल सकाला से पहला बात करी शादी के बंसी वाला से बैठी बैठी लाडी के बल पड़ गो काल सकाला से और बल पड़ वो सुबावे की भी बात हो जाए। मैं मान लीजिए आपको लाल पर को कागज ले लियो आज की डेट 26 तारीख और थमसे पीछे कोई दूसरा पहुंच जाता और बाप को कागज ले लियो थमसे मना कर दो थारा बल पड़ जाए कि पहला जे की आमड़ हो ना जे पक्को है बात तो कोई भी बात हो जाए तब रुक्मणी के अंदर ही बल। और इधर को रुक्मणी को भाई आज यार पिता से खेवल पिता तो नेक शर्म को आई बिल्च्यो बोलते है ना हमारी बहन को संबंध खा कर दियो जैसे कोई आगे पीछे कोई नहीं खेवा को मतलब मारी और वहां को कोई मेल को न हमारी जोड़ी को कोई नहीं बोलवा तो गायन को गवाड़े माखन चोरी कर कर के लूट लूट खावे गाय चरावे नंद को लाल है न जाने जन्म खा लियो और पालन खा वहां को कोई अतो पतो बोल मैं खून झा करेगा मेरी बहन को संबंध संदेलीगढ़ के राजा शिषपाल के साथ में। तो देखो रुक्मणी के पिता के रुक्मणी के भाई के किस तरीका से बातचीत होती है और ये प्रसंग श्रद्धा के माध्यम से किस तरीका से चालू होता है सुनो कैसे होता है भैया आ दे दे देवा बोल कर आयो कोल कर बजाना भरे आयो कैसे ओ भैया ने वो से बाबल करया कॉल करार बचन भरया भैया ने मुझसे आनंद बदला फड़े। तो देखो सजनो संसार सागर में दो दो कब जोड़ा होता है और प्रसंग भी कोई अकेला नहीं है प्रसंग में भी दो पात्रों का जोड़ा बस होता है किसी किसी प्रसंग में चार पात्र छह पात्र आठ पात्र भी हो जाते हैं। तो देखो इस प्रसंग में आर पार जोड़ा है रुक्मणी के पिता और रुक्मणी के भाई के विवाद है रुक्मणी की माता और रुक्मणी के विवाद है आगे चल के भगवान कृष्ण और शिषपाला के विवाद है हर चीज का जोड़ा है और आदमी इनके जन समझ में आवेगा ना लेकिन थारा जरूर आगे 100% क्योंकि थारी संख्या ज्यादा है भाई हिसाब से देख रहे मैंने प्रसंग आए कि बाबल करया कौन करार बचन भरयायो भैया ने मुझसे अनद बदला फाड़े। तो रुक्मणी को भाई रुक्मणी से रुक्मणी के पिता से क्या कहता है सजनो क्या कहता है भिक्षा हार रुक्मणी के बाल जर पिता कोई ने तो
और हमारो कोई मेल को ना आप दो चार आदमी को लेकर के जाओ और उल्टा व्यवहार को ले रहा हो। इतनी बात को कह करके तुरंत लगवाने है जो शिष्यपाल के लिए लिखवा के और भिजवा देता है। इधर को रुक्मणी को पता लग जाता है तो रुक्मणी एक पंडित को बुलाती है और बुला करके अपने कलम से पत्रिका लिख करके पंडित जी को दे देती है। पंडित जी से कहती है कि जाओ और ये पत्रिका को द्वारकाधीश को दे के आओ। तो देखो सुगमा नगरी में सारी चर्चा फैल चुकी थी। तो पंडित वो बात को सुन करके रुक्मणी से कहता है कि रुक्मणी मेरे में तो चलने की शक्ति बहुत कम है और आंखें से भी बहुत कम दिखता है, मैं इस कार्य में असमर्थ हूँ। रुक्मणी तुरंत समझ जाती है, वो कहती है कि तू मेरे भैया के डर से डर रहा है और इधर को चंदेलीगढ़ के राजा शिष्यपाल के डर से डर रहा है। जा, अरे मैं तेरे ऊपर हाथ रखती हूँ, जाको राके साई हम मार सके नहीं कोई, अरे बालन बाको कर सके जो जगबेरी हो, कोई तेरो संसारम बाल बाको को कर सके। इतनी बात को सुन करके पंडित ले पत्रिका को द्वारकाधीश के पास में पहुंच जाता है और द्वारकाधीश के चरणों में जाके पत्रिका को रख देता है। तो देखो पंडित जी किस तरीका से जाता है, द्वारकाधीश वो पत्रिका को उठाता है, पढ़ के समझ जाता है कि छिंडी छान उतर चुकी है। तो सारे ग्वाल बाबा को बुला करके पूछता है भैया क्या किया जाए। तो ग्वाल बाल ये निर्णय कर लेते हैं कि फेरा खार छोड़ सकते हैं लेकिन सगाई को तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लीला होती है सजनों, क्या होती है भैया? और रुक्मणी के बाल गिर बाप में पीस फेरा रुक्मणी मन में विचार करती है कि मैं देवी माँ से सलाह जरूर लूं, फेरा बाद में खाऊंगी, फेरा खावागी तो दूसरी बात है, आली तो सगाई तो गाड़ी अटक रही है, लेकिन क्या किया जाए। तो वो मन ही मन ठोस निर्णय करके पंडित जी को विश्वास देकर के भेज देती है और इधर को पंडित जी चल देता है। और कैसे जाता है सजनो, कैसे जाता है विचार? एक जो कहीं जावे भैया का डर के मारा
बतिया बाजी मनमोहन ने मन में करो विचार सौ तो कैसा पड़ेगा पार बोल रहे ग्वालन से बनवारी और करी गजब की बात मटर ने छंडी छाया ने उतारी ऐसे कह रहा कृष्ण कन्हैया को काई करा रे भाई मारी कर दी काट रुक्मिणीपुर की हुई सगाई अगर मेरी तो काट हो चुकी है इधर को बोल रहे मोहन से बलराम सकाड़े सब रंगा काम श्याम की बेगा साई जाओ और फेरा पाया पहला तुम बलाडी को ले आओ मन ससरा की दई बात पीट नाराजी साड़ा कर दे लो लाडी को ल्यांगा बंसी वाला के इधर को सारे ग्वाल वाल सलाह पक्की कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन लाडी तो बंसी वाला के आनी चाहिए। तो देखो सजनो इधर को चंदेलीगढ़ के राजा शिषपाल है जब शादी की तैयारियां करता है अपनी भौजाई से कहता है भाभी शादी के दिन नजदीक आ चुके हैं और तू तैयारी क्यों नहीं करती। तो देखो दोनों देवर भाभी में किस तरीका से बातचीत होती है। भौजाई अपने देवर को समझाती है कि देवर उसकी सगाई पहले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में हो चुकी है और तुम आपस में मामा बुआ के भाई हो और ये रिश्ता तुम्हारा टूट जाएगा तू मेरी बात को मान ले। तो भौजाई अपने देवर को कैसे समझाती है सजनो कैसे समझाती मेरे दे 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 तो आगे वो दीना नाता बेच नानी खावे भैया रे दे दे तो आगे वो दीना नाता बेच नानी खावे कैसे ओ देवालिया वो तू तो खावे देवरिया तू तो दूल्हे बन में ते जावे। इतनी बात को सुनकर के शिषपाल मनी मन घबरा जाता है और भाभी देवर के बीच में किस तरीका से बातचीत होती है सुनो कैसे होते फिर विषा आर भाभी कहने लगे रे मारा देवर दूल्हे बन में ते जावे Oh,
तेरो एक पेस नहीं खावे तेरे देवर से भोजाई करवा डोले मेनक मराई तेरो तड़के ब्याह कराए दूर बारुक मन से आसी तेरो और लुगाई ले दू अरे पर तू कुंदन पर मत जावे मोकू धोको लगे करे तेरी काई कुछना चबावे ओटे चौथाड़ा में दाल गेले चलती घेरे रार देश को डामस बंसी वाला और तेरो नहीं खा पेट जाने कर दिया गो खोर कपाड़ो पोसु पहला रघुवर की मोहन सुख करी सगाई तुम लड़ता है छकोला को मामा बुआ का भाई या टूटे को सपा ठिकाना और दो दिन पीछे तेरी मैया को पीहर में जानो अरे मारा मामी ससरा लागे नंद बरसाना में और तू मान कमर मारी बात पड़ोगे फर्क ठिकाना में इतनी बातों को चंदेलीगढ़ के राजा शिषपाल की भौजाई उसको समझाती है लेकिन शिषपाल नहीं मानता है नहीं मानता है तो भौजाई और इस तरीका से अपने देवर को समझाती है क्या कहती है सदनो क्या कहते हैं ऋषा अरे आठ बरस को सभी भूमि को भार उतारियो अरे काली देखो नागनाथ दियो नार पूतना मारीर बाके आगे मारा देवर काई गुदड़ी थारी के योद्धा बड़े बड़े पचारे कोई को पेश नहीं खायो और इंदर पूजा हटा ब्रज में गोवर्धने बजवायो अरे प्रथा करे बटाई बाकी अब देखो चंदेलीगढ़ का शिषपाल है जो भौजाई से कहता है कि प्रथा करे बटाई बाकी कोरा काल बजावे वृंदावन गोकुल में माखन लूट लूट दही खावे है तो कायल कोई गेवाड़ो काई करेगो कलवा काड़ो मटाने बीच में टांग अड़ाई मारे टीको दियो रुक्मीनपुर की हुई सगाई वो से सारा घर का राजी अरे बीच बीच में वो मोहन करवा डोले धोखा बाजी भाभी तू पर था क्यों सूकेर मारो हो जाए ब्याह सहज में आया मौसर चूके हमारी देखी भारी छोरी रंग की काड़ी नहीं है गोरी की सब तरीका से रिश्त धन है मैं तबाकू सगाई को कत्तई को छोड़ू फेरा खैर छोड़ सकू ब्याह करूंगा इतनी बात को सुन करके और अब भौजाई समझ जाती है ये किसी की नहीं मानने वाला है लेकिन फिर भी समझाना चाहिए तो देखो भौजाई बार बार समझाती है लेकिन चंदेलीगढ़ का राजा शिषपाल नहीं मानता है तो भौजाई से फिर क्या कहता है सुनो क्या कहता है प्रभिषा अरे तू मत नाटक कर Yeah.
पाठ करे भाई भाभी कुंदनपुर को जाऊंगा और मोहन जी कुमार नायर में रुक्मण जी को लाऊंगा। अरे छत्रीन के तू दाग लगावे करो बात को, हीरो और कुंदनपुर नहीं जाऊं तो नाम नहीं काहर पड़ जा मेरो, जगत में हो जा नाम धराई, फेरा खाए छोड़ दो मैं ना छोड़ू कतई सदाई। मेरे नाम में दौराणी करती रहेगी गोबर पानी, मेरे में बैठी मौज उड़ाजे और जब सक साधे रहेगा ध्यानु सीधी रोटी खाजो। थारी सगन भाभी मारे कोन दाल में कालो और तेरे हाथ लगाऊ मैं को हूँ जन्म तक न्यालो, जब तो पर को है काम सटाटा या है को एकदम पूरो और तुम हरियाणा की भैंस बांध दो पीजे दूध अरे कर कर मीठी बात पेट भर दियो भौजाई को, अरे नहीं माने कमारी बारी बात लगे हो भाई को। देखो सजनो इतर को चंडीगढ़ के राजा शिषपाल की भौजाई समझ जाती है कि इसके लुगाई का इश्क लग चुका है, ये किसी की बात नहीं मानने वाला है, तो चलो इसकी शादी की तैयारियां करते हैं। तो देखो अब शिषपाल की भौजाई शादी की तैयारियां करती है और उसको चौकी पे बैठा के किस तरीका से नहलाती है, कैसे घोड़ी वरना किस तरीका से गिलाती है सजनो, कैसे गति प्रभिया कैसे पहला यान ये के चुका दे भारो पछा, मैंने तेरे घायों रे ने नन में लीलो लाल डिबिया को सुरमा कारो, के देवर मैंने तेरा मोंडो मांडे और ये नैनन में सुरमो सारे काल लगा ले या कर नेक तू यहीं देर जा। शिषपाल केवल अब तो देनी पावलो ले ले बाद में ले लेना कुछ भी मन चाहिए चीज, बल मोह तो देनी हो जो चीज अभी दे मोह से विश्वास लगे कि तू वापस जिंदा आवे न आवे। इतनी बात को सुनकर के शिषपाल को भी गुस्सा आ जाता है और वो मनचाही चीज देता है, किस तरीका से उसका श्रृंगार होता है सुनो कैशोतंद्र विशाल। अरे कदूल चौकी